बहुत महत्व होता है। जो लोग आरटीए इस्तेमाल करते थे उनको अभी तक बहुत दिक्कत आती है आरटीए एप्लीकेशन फाइल करने में, सूचनाएं लेने में 10 तरह के ऑब्जेक्शन लगाए जाते थे। अब आपको किसी भी सरकारी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे आरटीए की एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और आपको उसका जवाब मिलेगा। दो चीजें और करेंगे, जितनी भी आरटीए एप्लीकेशन जो भी फाइल करेगा उसके आरटीए एप्लीकेशन और उसका जवाब दोनों हम ऑनलाइन डाल दिया करेंगे। उससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को पता चल जाएगा कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मांगी जा चुकी है, उसको दोबारा फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में, दिल्ली सरकार की जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी पब्लिक डोमेन में जाए, उससे अपने आप ही भ्रष्टाचार के ऊपर एक अंकुश लगेगा और जो भी सिस्टम के अंदर गलत तत्व हैं उनको डर रहेगा कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पकड़ेंगे। क्या अरविंद, इन्फॉर्मेशन जब लिया जाएगा क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी या नहीं? ये बहुत जगह देखा जाता है कि इन्फॉर्मेशन जब लेने जाओ कह दिया जाता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है या हमारा परमिटेड एरिया नहीं है, आगे आप संपर्क करें। मैं अपील करना चाहता हूँ सारे ऑफिसर से, सारे नोडल ऑफिसर से, सारे पीआईओ से, कोशिश करें कि कोई इन्फॉर्मेशन बना ना, जो इन्फॉर्मेशन मांगे सारी इन्फॉर्मेशन दे। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो एक शक पैदा होता है मन में, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद, इसमें आपने कहा कि एप्लीकेशन वो तो सो मोटिव ट्रांसपेरेंट, वो तो मैंने कहा ना कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में खुद ही डाले सकते हैं। अभी इसमें मैं मानता हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन सरकार डाल रही है उसको और ज्यादा 10 गुना बढ़ाया जा सकता है, उसके आप काम करेंगे। दिल्ली सरकार बढ़ाएगी क्या जी? दिल्ली सरकार 4.1 के तहत जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। एप्लीकेशन को आपने पब्लिक करने के लिए कहा, लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम या जानकारी जो सामने ना आए, तो नाम को छुपाया जा सकता है, नाम को, ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। सर, 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 सर,